हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी हिंदी टीचर रिहाना मैम। इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट 5 कैसे चलेगी का अभ्यास कार्य। ठीक है, पहले हैं आपके प्रश्न उत्तर, ये हम करेंगे कॉपी में जो मैं नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूंगी। ये हैं आपके लिखित प्रश्न जो आपको बुक में ही करने हैं। पहला प्रश्न है, कौन सी गंदी हवा खींच लेते हैं? उत्तर है, पेड़ हमारी अशुद्ध गंदी हवा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यानी खा प्रश्न है, पेड़ धरती की मदद कैसे करते हैं? उत्तर है, पेड़ बादलों को बुलाकर धरती को सींचते हैं, इस तरह वो धरती की मदद करते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ों के बिना हमारी ज़िंदगी क्यों नहीं चलेगी? उत्तर है, पेड़ नहीं होंगे तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ठीक है, इसका पूर्ण विराम यहाँ आ गया है, आपको यहाँ लगाना है। अगला है, पढ़ो समझो और लिखो। इसे आपको पढ़ना है और इसको आपको अपनी ही शब्दों में, अपने शब्दों में लिखना है। जैसे कि ये कुछ पंक्तियाँ हैं, पेड़ सहकर धूप खुद देते सभी को छांह अपनी। पेड़ क्या करते हैं, खुद से धूप सहते हैं और अपनी छांह देते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, पेड़ खुद धूप सहकर सभी को अपनी छांह देते हैं। इसी तरह से हमें अगली आगे दी हुई पंक्तियों को अपने शब्दों में लिखना है। पहला है, खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी। इसको हम लिख सकते हैं, पेड़ लगातार हमारी गंदी हवा खींचते रहते हैं। अगला प्रश्न है, खा जाएं इनको काटते ही तो मिलेगी छांह कैसे? अगर हम इन्हें काटेंगे तो हमें छांह कैसे मिलेगी? ठीक है, गा है, और लेने सांस को फिर प्राण वायु कहाँ मिलेगी? इसे हम लिख सकते हैं, और फिर हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? अगला है, इन चित्रों के दो दो नाम लिखो। ठीक है, ये एक पेड़ का चित्र है तो हमने यहाँ लिख दिया पेड़, और पेड़ को तरु भी कहते हैं तो हमने यहाँ लिख दिया तरु। ये है एक बादल का चित्र तो हमने यहाँ बादल लिख दिया और लिख दिया मेघ, क्योंकि बादल को मेघ भी कहते हैं। आप यहाँ पे घन भी लिख सकते हैं और यहाँ पे वृक्ष भी लिख सकते हैं। आगे हैं, तुक वाले शब्द लिखो। समान तुक वाले शब्द वो होते हैं जिनमें एक जैसी आवाज़ आती है, यानी जब हम उनको बोलते हैं तो उन्हें एक जैसी आवाज़ में बोला जाता है। जैसे इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स होते हैं, वैसे हिंदी में समान तुक वाले शब्द होते हैं। तो बाह का क्या होगा, छांह, एक जैसी आवाज़ है ना दोनों में। हवा का क्या होगा, दवा। इसके अक्सर जो पीछे वाला शब्द अक्षर होता है वो एक ही समान होता है और मात्रा भी एक जैसी लगी हुई होती है। सारी बारी, खेत रेत, धरती भरती, सांस बांस। ओके, आगे ये कविता दी हुई है, हम इसे भी पढ़ लेते हैं। मेरे घर के पास लगा है पेड़ नीम का हरा भरा, उसकी डालें झुक झुक छूती मेरे रहने का कमरा। शाम सवेरे चिड़िया आकर इसमें शोर मचाती है, तरह तरह के गाने गाकर मेरा दिल बहलाती है। जब सावन आता है तब उसकी डालों में झूला झूल झूला डाल, मैं झूला करता हूँ इसमें झूला करता है गोपाल। वैसे भी मैं रोज़ बैठता इसकी छाया के नीचे, खेला करता आँख मिचोनी कभी कभी आँखें नीचे। नीम ना होता अगर सामने घर उजड़ा उजड़ा दिखता, हरियाली के बिना हमारा दिल ना हरा भरा रहता। ठीक है, जैसे हमने पिछली कविता में पेड़ों के बारे में पढ़ा है, वैसे ये भी एक कविता है जो पेड़ों के लिए है, और ये है कविता नीम के पेड़ के ऊपर। तो ये बच्चा क्या कह रहा है, मेरे घर के पास एक हरा भरा नीम का पेड़ है जिसकी डालियाँ झुकझुक कर मेरे कमरे की खिड़की कमरे को छूती है। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, इसकी कमरे की खिड़की में इसकी डालियाँ जा रही हैं। शाम सवेरे चिड़िया आकर इसमें शोर मचाती है और तरह तरह के गाने गाकर हमारा दिल बहलाती है। और जब सावन आता है तो मैं इसमें झूला डालकर झूला झूलता हूँ, और रोज़ मैं इसकी छाया के नीचे बैठकर खेलता हूँ और आँख मिचौनी भी खेलता हूँ। और अगर हमारे घर के आगे नीम ना होता तो हमारा घर उजड़ा उजड़ा लगता और हमारा दिल हरा भरा भी ना होता। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।